हेलो दोस्तों, एक मोटर है वाइंडिंग के लिए आई थी। ये मोटर कैरियर की मोटर है, विंडो की, PPLC कंपनी है, HP कोटा 6 125 वाट, एम्पेयर 1.0, RPM है इसके 910, 830, 750, कैपेसिटर 6 का। कॉमन इसकी ब्लू है, येलो इसकी स्टार्टिंग है, ब्लैक इसकी हाई है, वाइट मीडियम, रेड लो। आज इसकी हम वाइंडिंग करेंगे। ये इसके एक कॉयल है, 3 स्पीड मोटर में इसके एक कॉयल है, ये रनिंग प्लस स्पीड इसी में ही है, और ये स्टार्टिंग 900 RPM में मोटर है। RPM मैंने आपको बता दिए इतने RPM में, ये 910, 830, 750 RPM। कैरियर विंडो की आज हम वाइंडिंग करते हैं। देखिए वाइंडिंग, चलिए शुरू करते हैं इसके वाइंडिंग। शुरू करते हैं, एक कोर है, 1 इंची एक सूत कोर है, 36 लाड मोटर है, डायस का बताता हूँ अभी, डायस का कितना है, डायस का 3 इंची है, तीन इंची इसका डाया है। चलो शुरू करते हैं इसकी वाइंडिंग करना, और ये कॉपर में ही वाइंड करते हैं हम, और ये आते हैं एलुमिनियम में, 3 स्पीड मोटर है ये। और हमेशा मैं इन मोटरों में छोटे फरमाइल डालना पसंद करता हूँ, लच्छे मेरे को पसंद नहीं है डालना। लच्छे में क्या राउंड ए राउंड घुमाना पड़ता है, छल्ले में क्या, छोटे फर्म में क्या है, एक बार डाल दिया छुट्टी। और ये मेरे पूरे सेट के सेट ही होते हैं। और इसके बूस्ट ठीक है इस मोटर के, इसलिए खाली वाइंडिंग में आई थी और इसमें पानी गया था। इस मोटर में सर्विस के दौरान पानी चले गया था। ज़्यादा टाइट बंद गई क्या? कमेंट्स में ज़रूर बताना मोटर के बारे में, कुछ पूछना हो कैसे किस तरीके से क्या है मोटर में, तो मैं उस चीज़ की आपको जानकारी दूंगा। इसके कनेक्शन भी इससे अगली वाली मोटर में बता चुका हूँ, अगली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस मोटर कनेक्शन। चाहे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। रनिंग के साथ ये मैं स्पीड भी डाल देता हूँ इसी में ही, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। ज़्यादातर बंदे जो फूकते हैं ना मोटर, वो स्पीडो में करंट गलत दे देते हैं। तीन तीन के सेट बनाता हूँ मैं मोटर में,
ताकि आसानी रहे। 4-6 की पीछे। तीन तीन के सेट बना देता हूँ। 4-6 की पिच, ये देख रहे हो, एक में ये गाँठ सी बंधी हुई है, स्पीड है, और एक रनिंग। दोस्तों सॉरी, कोई आ गया था इसलिए बीच में वीडियो काटना पड़ी मुझे। अब ये दूसरे सेट का मेरा पहला कॉइल, पहले सेट का तो पहला डल चुका है, और इसमें कनेक्शन बनाना पड़ता है सेट में, उल्टे सीधे सीरीज में। सेट में हमेशा कनेक्शनों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने इसमें ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखा ना सेट में, एक राउंड भी गलत हो गया, मतलब कनेक्शन घुमाने में, तो एम्पेयर इसके हो जाएंगे हाई, तो ये बोलेगा कि कनेक्शन गलत करे हैं। ये हमारे एक कॉइल जो घुमाता हूँ ना मैं, ये उठाते समय इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं। को सभी राउंड गलत ना घूम जाए, और ज़रा सा भी घुमा दिया मैंने बेध्याने में, कनेक्शन गलत हो गए, फिर क्या, फिर पूरी तरीके से मोटर खोलना पड़ती है, बहुत लंबा काम हो जाता है। फिटिंग पे जाते हैं जब, देखते हैं भाई तो एम्पियर ज़्यादा हो गया, फिर दोबारा इसका धागा खोलो, कनेक्शन चेक करो। इसलिए जब भी मोटर वाइंड करो, यानी कि मैं ही करूँगा, अगर कोई मेरी मोटर देख के वाइंड करेगा तो उसके लिए अच्छा ही है, मेरी वीडियो देख के, पर किसी मैकेनिक के पास जाते वाइंडर के पास। इसमें एक सीधा घुमाते, एक उल्टा घुमाते, एक सीधा घुमाते, एक उल्टा घुमाते हैं। अब जैसे ये कनेक्शन है, ये वाला ये कनेक्शन होता है ना, इसको बड़ा ध्यान से देख करना पड़ता है। अब ये मैंने घुमा दिया यूँ करके और डाल दिया, ये कनेक्शन है, देखो फिर से दिखेगा, ये कनेक्शन है ना, ये इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, उल्टा सीधा करना पड़ता। और ये मोटर हमारी 3 स्पीड में है, ये मोटर ज़्यादातर जो होते हैं बंदे उनको 3 स्पीड में करने नहीं आती मोटर, जो जैसे बिजली वाले होते हैं वो सिंगल स्पीड में करवा देते, तुम भाई सिंगल स्पीड में कर दो, 3 mm कर देंगे, आगे से एक ही लीड में 3 तार जोड़ देते हैं, तो वो तो 3 स्पीड बननी है, पर एम्पेयर जो है वो एक ही एम्पेयर बताएगा, कम बढ़ते नहीं बताएगा। ये होता है वो, और हमारी मोटर सारी ज़्यादातर कॉपर में ही होती है। ये देखो मैं अभी इसके बताता हूँ, अभी तो हमारी रनिंग और स्पीड डल चुकी है, और इसमें से मीडियम निकालूँगा शायद आपको दिख जाए। अभी मैं कनेक्शन करता हूँ,